ओके, चैप्टर में ऐसे जो फॉर्मूला बहुत कम है, लेकिन कल जो हमने इंफॉर्मेशन ली थी उस इंफॉर्मेशन से न्यूमेरिकल ज्यादा हो सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5.2। ओके, चेक करो, पहले 5.1 एक्सप्लेन करते हैं। एन एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली गेट सेपरेटेड आउट इट्स स्मॉल स्पेस से एक्सीलेटिंग इन इनर स्पेस एट कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट देन आफ्टर द आउटसाइड द स्पेस शिप, आउटसाइड द स्पेस स्पेस शिप। अब देखो, ये तो इसलिए नहीं बताया कि आउटर साइड पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नेग्लिजिबल है, तो इसका मतलब जो ग्रेविटेशन एट्रैक्शन जो फोर्स रहता है, एट्रैक्टिव फोर्स, वो भी बहुत कम रहता है। ओके, और इसलिए ऐसा बता जाएगा कि उसकी एक्सेलरेशन जीरो। उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। मतलब ये एमसीक्यू की तरह है, इलास्ट्रेशन नंबर 5.1, कि आउटसाइड इतनी ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होती और इसलिए उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू हम जीरो कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इन लोगों ने ऐसा लिख के दिया है। मतलब फर्स्ट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, लिखने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ याद रखना है। क्लियर? ओके, 5.2 से आप प्रॉपरली लिखना शुरू करेंगे। अ बुलेट ऑफ मास 0.04 केजी मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। ओके, मास क्या लिख के दिया? 0.04 केजी। ओके, मूविंग विथ वेलोसिटी वी इज इक्वल 90 मीटर पर सेकेंड। एंटर हैवी वुडन ब्लॉक एंड इट स्टॉप्ड आफ्टर डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। ओके, डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6 मीटर, 60 डिवाइड बाय 100। व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्ट बाय ब्लॉक ऑन अ बुलेट? अभी क्यों सिंपल है कि जो इंफॉर्मेशन से दी बुलेट फायर की हैवी ब्लॉक के अंदर 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस स्टार्ट करने के बाद वो स्टडी हो जाती है। ओके, तो उसने पूछा कितना रेजिस्टिव फोर्स दिया होगा ब्लॉक ने, उस पे कितना रेजिस्टिव फोर्स दिया होगा। अब सबसे पहले तो जैसे बुलेट फायर करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी विद जीरो, फाइनल तो जीरो क्योंकि स्टडी हो जाएगा। मास दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो सपोज ये दोनों से हम उसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। किस फॉर्मूला से? तो थर्ड वाली फॉर्मूला, वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax या 2ad, डिस्टेंस एक्स या डी करके आप लिख सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। सपोज इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप स्टॉपिंग डिस्टेंस वाली भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सी? स्टॉपिंग डिस्टेंस। चलो हम उसे कहते स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल 90 स्क्वायर 2ax, ओके 0.6 0.6, एंड देयरफॉर ए इज इक्वल टू माइनस 8100 डिवाइड बाय 1.2 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे? 1.2। क्या आंसर हो सकता है? एट सेवन फाइव जीरो माइनस सिक्स सेवन फाइव जीरो माइनस 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डीएक्सेलरेशन था क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होती है और ब्लॉक में स्टेडी हो जाता है, इसलिए माइनस आएगा क्योंकि डीएक्सेलरेशन है। And therefore, the resistive force F is equal to ma. Okay, mass 0.04, acceleration की value 6750, minus नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। और suppose आप minus लिखेंगे तो लिखना है कि minus क्या बताएगा? ये resistive force है, opposite direction में लगता है। Clear? जस्ट अ मिनट।
ये रेजिस्टिव फोर्स है और ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, क्लियर? तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन आएगी, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? 270 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट ऑन बुलेट, या रेजिस्टिव फोर्स एग्जर्ट ऑन बुलेट, ओके? लेकिन सपोज आपने माइनस, ये माइनस लिखा तो माइनस आएगा, तो बताएंगे रेजिस्टिव फोर्स है इसलिए नेगेटिव आ रहा है, स्टेटमेंट रखनी पड़ेगी। सपोज आपने नेगेटिव लिखा तो नेगेटिव क्यों है उसकी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, और सपोज नेगेटिव नहीं बता तो भी डायरेक्टली आप कंप्लीट कर सकते हैं, ओके? ये जो सिंपल मेथड है, ये इजी मेथड है। दर्पण में ऐसे भी आपको दो मेथड लिख के दिया होगा, लेकिन जो सेकंड वाली मेथड हम लोगों ने दर्पण में दी होगी, वो दर्पण में जो मेथड बताई वो सिक्स्थ चैप्टर की है। सिक्स्थ चैप्टर के अंदर एक स्टेटमेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब W इज इक्वल टू डेल्टा के, उस स्टेटमेंट से उन लोगों ने कंप्लीट करके दिया होगा, ओके? तो वो जरूरत नहीं, ये इजिली याद रहेगा, ये सबसे इजी मेथड है, ओके? थर्ड वाली फॉर्मुला से पहले एक्सप्रेशन फाइंड करो, F इज इक्वल टू एम ए, क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड नंबर 5.3, लास्ट क्वेश्चन नंबर। The motion of a particle of mass m is described by y is equal to ut plus 1 by 2 gt square. Find the force acting on the particle. Okay, mass m likhe diya. Y is equal to ut plus 1 by 2 gt square. U matlab initial velocity. J acceleration due to gravity. Okay, ab isse force find karna hai. क्या काम करेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट है, अब दो बार इसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू गेट एक्सेलरेशन। पहले v इज इक्वल टू dy अपॉन dt, ओके? चलो अब बताओ ये इनिशियल वेलोसिटी t, फर्स्ट स्टेप के लिए डेरिवेशन क्या होगा? सो u कांस्टेंट, t की डेरिवेटिव 1 प्लस 1 / 2 g इज अ मल्टीपल, t स्क्वायर की डेरिवेटिव 2t, and therefore the velocity v is equal to u plus, ye to cancel, u plus gt, ye kaun si formula hai? First wali formula, v is equal to v0 plus at, ye initial velocity hai aur acceleration hai, ye first wali formula ho gayi, so again derivate karenge with respect to time, is that acceleration, sorry, first ke andar g, sorry t likh ke nahi diya, मतलब ये जो टर्म है वो कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कांस्टेंट की डेरिवेटिव ऑलवेज जीरो प्लस जी कांस्टेंट या मल्टीपल टी की डेरिवेटिव 1, सो नाउ एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जी, एक्सेलरेशन कितना मिला? ए इक्वल टू जी, नाउ फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स क्या होगा? F इज इक्वल टू एम ए, बट एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो F इज इक्वल टू एम जी, क्लियर? और इसको हम वेट बताएंगे, ये फोर्स कौन सा होगा? वेट होगा, क्लियर? तो ये था पहले हमने जो कंप्लीट किया था 5.2, देन 5.3, है कोई डाउट इसमें? डेरिवेट करना आ जाना चाहिए, मैंने दो बार इसकी पूरी लिस्ट लिख के दी है, क्लियर? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो सिर्फ टी की डेरिवेटिव होगी, इसलिए मैंने बताया वी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी या डी एक्स अपॉन डी टी, जो भी है, इसे वाई करके लिखा था, डी वाई अपॉन डी टी लिखा, फर्स्ट हमें यू मल्टीपल टी की डेरिवेटिव 1, 1 / 2 जी मल्टीपल या कॉन्स्टेंट स्क्वायर की डेरिवेटिव 2 टी, so now velocity v is equal to u plus g into t, okay? अब फिर से derivate करो उसको, derivate this equation with respect to time, so now acceleration a is equal to dv upon dt, constant की derivative 0,
जी मल्टीपल होगा ठीक है डेल्टा वन, मतलब एक्सेलरेशन कौन सा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जब एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो फोर्स कौन सा होगा, वेट बराबर रहेगा, फोर्स वेट इक्वल टू होगा। पहले चेक करते हैं F इज इक्वल टू एम ए के जो न्यूमेरिकल्स है, इस टाइप की न्यूमेरिकल हमको एक्सरसाइज में कौन कौन सी दी, ओके एक्सरसाइज की मेथड कुछ डिफर है, ओके चलो इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी है कोई डाउट इसमें, 5.3 ओके नाउ 5.4 नो सर ओके नाउ 5.4 ओके 5.4 पहले भी मैंने एक बार एक्सप्लेन किया है, जब मैंने इंपल्स ऑफ फोर्स एक्सप्लेन किया था, इंपल्स ऑफ फोर्स 5.4 में लिखा अ बैट्समैन हिट बैक द बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बॉलर ने जो बॉल डाला स्पीड थी 12 मीटर पर सेकेंड, उसी डायरेक्शन में हिट किया, उतनी वेलोसिटी से वापस जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। इफ द मास ऑफ बॉल इज 0.15 kg, डिटरमाइन द इंपल्स ऑफ फोर्स ऑन अ गिवन बॉल। ओके इंपल्स ऑफ फोर्स का मतलब या फॉर्मूला याद है, एम डेल्टा वी, एम डेल्टा वी, एम डेल्टा वी तो चेंज इन मोमेंटम हुआ, इंपल्स ऑफ फोर्स एम डेल्टा वी जो आपने बताया, एम एफ डेल्टा वी इज अ चेंज इन मोमेंटम, एफ डेल्टा टी इक्वल एफ डेल्टा टी, एफ डेल्टा टी, ये इक्वेशन न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसको एक्सटर्नल फोर्स, आप इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, so F delta T is the impulse of force, लेकिन F delta T is equal to delta V, मैंने उसी दिन यही explain किया था कि impulse of force calculate करना है, higher value of force smaller timing के लिए जब interact होती है, okay, तब हम ये multiplication exact calculate नहीं कर पाते, और जब exact calculate नहीं कर पाते तो हम क्या calculate करते हैं, change in momentum, और change in momentum आपको impulse of force देगा, मतलब चेंज इन मोमेंटम इंपल्स ऑफ फोर्स ही है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि इंपल्स ऑफ फोर्स के फॉर्मूला क्या, सो एफ डेल्टा डी, ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन है, सपोज आप पूछा कि यूनिट ऑफ इंपल्स ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ इंपल्स ऑफ फोर्स इसकी यूनिट क्या होगी, इंपल्स ऑफ फोर्स की क्या लिख सकते हैं, ये चीज याद रखो, आपको डेफिनेशन पता है तो आप फॉर्मूला लिख पाएंगे, आप फॉर्मूला लिख पाएंगे तो आप डैमेज का फॉर्मूला यूनिट दोनों लिख पाएंगे। चलो इंपल्स ऑफ फोर्स की फॉर्मूला मैंने क्या बताया, एफ डेल्टा डी, एफ मतलब फोर्स, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डेल्टा डी मतलब चेंज इन टाइम, यूनिट सेकेंड, सो न्यूटन सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ इंपल्स ऑफ फोर्स, न्यूटन सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ इंपल्स ऑफ फोर्स। ओके व्हाट इज द डैमेज ऑफ फॉर्मूला ऑफ फोर्स, M1 L1 T minus 2 okay for timing T rest to 1 so you get M1 L1 and T minus 1 is the dimension of formula of impulse of force okay so what about momentum to momentum ki formula humko di gayi thi P is equal to mv iske liye hum likhte kg मीटर पर सेकेंड, केजी यूनिट ऑफ मास, मीटर पर सेकेंड यूनिट ऑफ वेलोसिटी, ओके तो ये यूनिट किसका होगा, मोमेंटम का, और ये यूनिट किसका होगा, इंपल्स ऑफ फोर्स का, लेकिन दोनों यूनिट इक्वल है, आप केजी मीटर पर सेकेंड लिखो या न्यूटन सेकेंड, बोथ आर सेम, कैसे, चलो इसकी डायमेंशन फॉर्मूला बताएंगे, केजी मतलब एम रेस टू वन,
मीटर मतलब एल रेस टू वन, सेकेंड मतलब टी माइनस वन. सो बोथ डायमेंशनल फॉर्मूला या बोथ साइड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बोलेगी, इक्वल. ये भी बता सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है, ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, वैलिड. मैंने इसलिए थियरी एक्सप्लेन की कि इसकी इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है. ओके चलो वो न्यूमेरिकल पहले कैलकुलेट कर ले हम. उन्होंने बताया कि जो इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है, दोनों वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है. दोनों वेलोसिटी क्या है, 12 मीटर पर सेकंड. ओके सबसे पहले मास m इक्वल टू 0.15 kg. ओके इनिशियल वेलोसिटी v0 इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड. सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी आल्सो 12 मीटर पर सेकंड. लेकिन दोनों वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, किसी एक को प्लस लेना पड़ेगा सेकंड को माइनस. तो कौन सी वेलोसिटी हम प्लस लेंगे, फाइनल वेलोसिटी प्लस लेंगे, फाइनल वेलोसिटी प्लस लेंगे और इनिशियल माइनस. क्योंकि ऐसा सपोज आपने बताया कि फाइनल प्लस और इनिशियल माइनस, तो ऐसा क्यों, कुछ रीजन तो होगा ना. आपने बताया फाइनल पॉजिटिव इनिशियल नेगेटिव, लेकिन ऐसा क्यों. या कोई ऐसा भी है कि सपोज आप इनिशियल प्लस लेंगे और फाइनल माइनस लेंगे, आंसर दे रहे तो आप इसको रीजन बताओ ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों होगा. क्योंकि दो वेलोसिटी अपोजिट है, इसका मतलब किसी एक को आप प्लस लेंगे और सेकंड को आप माइनस लेंगे, ये 100% है. सेम डायरेक्शन होती है तो दोनों आप प्लस या पॉजिटिव ले सकते हैं. ओके ये पोर्शन हमने रिलेटिव वेलोसिटी में चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 दोनों में कंप्लीट किया था, किस वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेंगे और किसको नेगेटिव. ओके यहाँ जो भी फिनोमिना एक्सप्लेन की है तो फोर्स के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है पॉजिटिव और फोर्स का ऑपोजिट होती है नेगेटिव. फिर से बोल रहा हूं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो डायरेक्शन वाली वेलोसिटी पॉजिटिव, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव, इसके ऑपोजिट हो नेगेटिव. अब चेक करो, देखो बॉलर ने बॉल डाला वो इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, बैट्समैन स्क्वायर करेगा मतलब फाइनल वेलोसिटी. तो फोर्स किस डायरेक्शन लगता है, बैट्समैन इस तरह से हिट करेगा तो ये फोर्स की डायरेक्शन है और वही डायरेक्शन किसकी होगी, वेलोसिटी की. ओके और इसलिए फाइनल वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव इनिशियल नेगेटिव. उस दिन वे भी एग्जांपल दिए थे कि सपोज आप बॉल वॉल की ओर थ्रो करेंगे, दीवार की ओर थ्रो करेंगे तो वापस आएगा, तो कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव इनिशियल या फाइनल, तो वहां भी हमने चेक किया था फाइनल. क्योंकि जैसे आपने बॉल डाल बॉल उसके ऊपर जब फोर्स देगी इसलिए वो वापस आएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव इनिशियल क्या हो जाएगी नेगेटिव. क्लियर. ओके आगे कुछ है इसमें, बस इतना ही कंप्लीट करके देना है. ओके तो लिखेंगे इंपल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम एंड देन एम v माइनस v जीरो, क्योंकि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ओके m इज 0.15, फाइनल वेलोसिटी 12 माइनस 12. सो नाउ 0.15 इनटू 24, 0.15 इनटू 24 कितना होगा, 3.6. 3.6. अब देखो यहाँ कंफ्यूजन, कौन सी यूनिट लिखेंगे, तो हमने इंपल्स ऑफ फोर्स फाइंड करते मतलब न्यूटन सेकेंड. इंपल्स ऑफ फोर्स फाइंड करेंगे मतलब क्या होगा, न्यूटन सेकेंड. चेंज इन मोमेंटम फाइंड करते तो हम क्या लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड. लेकिन इंपल्स ऑफ फोर्स फाइंड करेंगे तो हम न्यूटन सेकेंड लिखेंगे. लिखा था डायरेक्शन ऑफ इंपल्स ऑफ फोर्स. ओके क्या लिखा उसने, फ्रॉम बैट्समैन टू बॉलर. इंपल्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, बैट्समैन से बॉलर की ओर की, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन के अंदर इसकी मोमेंटम. क्योंकि इधर देखो ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, और इसलिए उसने बताया इंपल्स ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन है वो बैट्समैन टू क्या होगी, बॉलर होगी. कैलकुलेशन के हिसाब से तो कुछ है ही नहीं, जो अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए.
क्लियर? इसमें कोई डाउट? नो सर। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, इसके बाद वाली जो नहीं लगता। इलस्ट्रेशन नंबर 5.5। टू आइडेंटिकल बिलेट बॉल स्ट्राइक एट राइट, सॉरी, रिजिड बॉल विद द सेम स्पीड बट एट अ डिफरेंट एंगल and get reflect without any change in speed as shown in figure. Okay, इसने डायग्राम में इस तरह से बताया, और जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में वापस। और सेकेंड डायग्राम इस तरह से दिया, जिस डायरेक्शन में जाएगा डायरेक्शन इक्वल क्यों बताएगा, कि ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल 30 है। ओके, नंबर वन, व्हाट इज नंबर वन कर लिए, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ वॉल ड्यू टू एच बॉल। फिर से पढ़ा, द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स ऑन द वॉल due to H ball. Second, the ratio of the magnitude of impulse of imparted of the ball. Okay, वो तो ball से, वो तो मिल जाएगा, वो calculation कर लेंगे। Main चीज़ तो हमको direction complete करके देनी है, बाद में हमको ratio calculate करके देना है। Okay, चलो first case के अंदर, case number one, इसमें initial velocity u, final velocity भी क्या हम लोगों ने लिख के दिया, u लिख के दिया है। ओके, ये दोनों के लिए सपोज x और y एक्सिस कैसे कंसीडर होगी, ये x एक्सिस होगी, इसको क्या बताएंगे y, ये वाले डायरेक्शन क्या होगी x, तो परपेंडिकुलर क्या होगा y, क्लियर? तो चलो पहले क्या लिखेंगे, इंपल्स ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है तो चेंज इन मोमेंटम बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर रहेगा। हेलो, ओके,
अच्छा फर्स्ट जो आपको ऑप्शन दी गई है ऐसे करेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे होगा? तो सबसे पहले तो आपको मोमेंटम की कंपोनेंट या एक्स या वाई कंपोनेंट करके कंप्लीट करना पड़ेगा। चलो फर्स्ट ऑप्शन के लिए लिख रहे हैं ये डायग्राम के लिए, ओके क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, एक्स कंपोनेंट ऑफ चलो इनिशियल मोमेंटम है और उसकी भी कौन सी कंपोनेंट लिखेंगे एक्स, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में जाता है और हमने कंसीडर किया कि इस तरह से वाई है और इस तरह से एक्स है, तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव एक्स, और पॉजिटिव एक्स होगा तो मोमेंटम होगा एम यू, रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, रिफ्लेक्ट क्या होगा वापस, तो फाइनल मोमेंटम जो है उसकी भी एक्स कंपोनेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे माइनस एम यू, क्यू वेलोसिटी उतनी है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, ओके डायरेक्शन अपोजिट है, ओके अब समझो y कंपोनेंट लिखना है तो y कंपोनेंट तो दोनों के लिए जीरो होगा, इनिशियल के लिए लिखेंगे पी आई वाई तो भी जीरो और पी एफ वाई वो भी जीरो, क्यों ये वेलोसिटी ओनली x एक्सिस पे है तो y कंपोनेंट क्या होता है जीरो, एज फॉर एग्जाम्पल सपोज यहां मुझे कुछ लिखना है टू जीरो, इसके वेलोसिटी क्या है टू जीरो, तो x कंपोनेंट होगा y क्या हो जाएगा जीरो, तो किसी भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन या फोर्स की डायरेक्शन सपोज x है तो y कंपोनेंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्लियर। तो अब हमको क्या कैलकुलेट करना है इंपल्स ऑफ फोर्स, तो इंपल्स ऑफ फोर्स f डेल्टा t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे डेल्टा p, तो सिर्फ यही चेंज होगा इसकी तो जरूरत है ही नहीं, क्या लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, सो माइनस एम यू माइनस एम यू माइनस टू एम यू, माइनस क्या लिखेंगे टू एम यू, ओके वाई कंपोनेंट लिखना है तो जीरो माइनस जीरो मतलब जीरो होगा तो उसको कैलकुलेट नहीं करते, तो इंपल्स ऑफ फोर्स एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस टू एम यू, माइनस टू एम यू किसके लिए मिला फर्स्ट डायग्राम के लिए, ओके सर लिख के दे इंपल्स ऑफ फोर्स आर सॉरी इंपल्स एंड फोर्स आर इन सेम डायरेक्शन, ओके द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉल ड्यू टू वॉल इज परपेंडिकुलर टू द वॉल, एक मिनट समझो ये मोमेंटम किसके आए, ये चेंज इन मोमेंटम किसके लिए मिला बॉल के लिए मिला, चेंज इन मोमेंटम किसके लिए मिला बॉल की मोमेंटम इतनी चेंज होगी, सपोज ऐसा बता कि वॉल की मोमेंटम क्या चेंज होगी, तो वॉल की मोमेंटम तो चेंज नहीं होगी, वो तो स्टेडी है वो कभी चेंज नहीं होगी, क्वेश्चन क्या था फिर से पढ़ रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ वॉल ड्यू टू एच बॉल, वॉल पे लगने वाली फोर्स, वॉल पे लगने वाली फोर्स ड्यू टू एच बॉल, ओके ये जब कोलाइड होगा तो डायरेक्शन कौन सी लगेगी इसको माइनस होगी प्लस, ये माइनस तो ये आपने इसके साथ कोलाइड किया इस डायरेक्शन में फोर्स वॉल पे लगेगा, वॉल पे कहां लगेगा पॉजिटिव एक्स के लिए, इसको पैराग्राफ पढ़ो सर क्लियर लिखे दिया है इंपल्स एंड द फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन हेंस द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल ड्यू टू वॉल इज परपेंडिकुलर वॉल इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स के लिए बताया बॉल पे लगने वाली फोर्स और दीवार पे लगने वाली फोर्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये पैराग्राफ 100% आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा जब ये क्वेश्चन पूछेंगे, आपने कंप्लीट कर दिया बाकी बता सकते कि फोर्स की डायरेक्शन बॉल पे लगने वाली फोर्स ड्यू टू वॉल इज अ नेगेटिव एक्स लेकिन बॉल से लगने वाली फोर्स ऑन गिवन बॉल वो पॉजिटिव एक्स, क्लियर ये फर्स्ट केस हुआ। अब सेकंड को एक्सप्लेन करना है तो सेकंड के लिए भी इस टाइप की कंडीशन होगी, सबसे पहले फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के एक्स और वाई कंपोनेंट लिखनी पड़ेगी, एक्स और वाई कंपोनेंट और उसके बाद तो ये चलो सबसे पहले इसकी कंपोनेंट लिखेंगे, ओके एक्स कंपोनेंट मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल कैसे कंप्लीट करेंगे बताओ, या x और y कंसीडर करो x और y किस कोऑर्डिनेट में आए
ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? ये एक्स है और ये वाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक अपने थर्ड चैप्टर में लिखा था, फर्स्ट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, सेकंड में साइन, थर्ड में टेन एंड फोर्थ में कॉस। इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में ऑल एस टी सी इसे याद रखा जाता है, ऑल एस टी आर सी। तो एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, कौन सा एक्स कम, एक चीज और, ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30। तो टेक्स्ट में देखकर उन लोगों ने लिखा है एम यू कॉस 30, एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज एम यू कॉस 30। ओके, नाउ सिमिलरली एक्स कंपोनेंट फॉर फाइनल, चलो फाइनल मतलब यहां है, ओके सपोज ये डायरेक्शन यहां ड्रॉ कर देता हूं और यहां मैं एक्स और वाई कंसिडर करूंगा, तो ये एक्स और ये वाई, तो ये कौन सी क्वाड्रेंट में, थर्ड में है। थर्ड में कौन सा पॉजिटिव, टेन, साइन और कॉस नेगेटिव, तो लिखेंगे माइनस एम यू कॉस 30। इनिशियल की एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव, फाइनल की एक्स कंपोनेंट नेगेटिव। नाउ द वाई कंपोनेंट ऑफ इनिशियल, वाई कंपोनेंट इनिशियल, वाई में कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वाड्रेंट देखना है और साइन के लिए चेक करना है कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। फोर्थ में पॉजिटिव क्या होगा, कॉस, तो माइनस एम यू साइन 30। एक चीज याद रखो, एक्स कंपोनेंट ऑलवेज कॉस होता है और वाई कंपोनेंट ऑलवेज क्या होगा, साइन। नाउ पी वाई फॉर फाइनल, अब थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ये भी क्या आएगा नेगेटिव। तो ऐसे फोर इक्वेशन आपको सबसे पहले लिख के दी होगी, पी एक्स आई एम यू कॉस 30, पी एक्स एफ माइनस एम यू कॉस 30, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ओके। अब उसने एक्स कंपोनेंट निकाला, डेल्टा पी एक्स, चेंज इन एक्स कंपोनेंट क्या लिखेंगे, पी एक्स एफ माइनस पी एक्स आई, पी एक्स एफ माइनस एम यू कॉस 30, ये भी माइनस एम यू कॉस 30, सब्ट्रैक्शन से माइनस टू एम यू कॉस 30, क्लियर। चलो सिमिलरली वाई क्या लिखेंगे, पी वाई एफ पी एक्स एफ पी वाई एफ माइनस एम यू माइनस एम यू साइन 30 माइनस माइनस एम यू साइन 30, सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पी एक्स प्लस पी वाई, ये तो जीरो है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या मिलेगा, माइनस टू एम यू कॉस 30, माइनस टू एम यू कॉस 30। तो इस पूरे डायग्राम के अंदर चेंज इन मोमेंटम है माइनस टू एम यू कॉस 30। उन लोगों ने क्या बताया था कि फर्स्ट में जो आपको चेंज इन मोमेंटम मिला वो, और सेकंड में जो चेंज इन मोमेंटम, दोनों के रेशियो फाइंड करो। चलो इसमें चेंज इन मोमेंटम क्या मिला, माइनस टू एम यू, ओके, और इसमें क्या मिला, माइनस टू एम यू कॉस 30। रेशियो क्या होगा, 1 upon cos 30, ओके, 1 upon cos 30। कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, 2/√3। 2/√3 कॉस 30, सॉरी √3/2, √3/2, 1 upon √3/2, and therefore 2/√3, and therefore 2/√3,
इसलिए आंसर होता है 2:3 2:3 क्लियर। बाद में आगे सिंप्लीफाई किया लेकिन इस तरह से लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन चेंज इन मोमेंटम वाली जो पार्ट एकदम क्लियरली आपको पता चलनी चाहिए। ओके, इसलिए मैंने आपको यहाँ जहां भी आप इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी बताए वहां एक्स और वाई कंसिडर करो और वहां से डिसाइड करो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। मैंने एक्स और वाई कंसिडर किया तो ये किस क्वाड्रेंट था, फोर्थ में था। यहाँ मैंने एक्स और वाई कंसिडर कौन सी क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, फर्स्ट में। सेकंड ओनली साइन पॉजिटिव, थर्ड में ओनली टैन पॉजिटिव एंड फोर्थ कॉस पॉजिटिव। और इसी फिनोमेनन का उपयोग मतलब पूरा यूज करके हमने कंप्लीट किया है। एक बार दर्पण से ये पढ़ लो 5.5 एक बार दर्पण से पूरा कंप्लीट पढ़ लो। कंप्लीट हो जाए बताओ। क्योंकि ये 5.4 और 5.5 है, कोई डाउट? नो सर। ओके, आगे कंप्लीट करेंगे। चलो 5.6। अब देखो 5.6 के डायग्राम से पता चलेगा कल जो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन की थी उसी इन्फॉर्मेशन से उन लोगों ने न्यूमेरिकल बनाया।
सर ने कल जो एमसीक्यू टेस्ट है उसकी चैप्टर आपको बता दिए है। कल जो एमसीक्यू टेस्ट है उसकी चैप्टर कौन से सर ने कल एक्सप्लेन कर दिया आपको। चैप्टर फोर। ओके, जो भी एमसीक्यू टेस्ट है वो सर ही बताएंगे आपको, और जो भी डाउट है सर को एक बार मैसेज करना, क्योंकि वो एमसीक्यू जेडब्ल्यू नीट के जो भी है वो सर ही लेंगे। ओके, 5.6 में एक डायग्राम दिया, लिखा है मास ऑफ 6 kg इज सस्पेंडेड बाय द रोप ऑफ लेंथ 2 meter फ्रॉम द सीलिंग। अ फोर्स ऑफ 50 newton in the horizontal direction is applied at the midpoint P of the rope. इसका मतलब 2 meter था, जब उसने फोर्स अप्लाई किया इतना स्ट्रेस होगा, और ये वन मीटर और ये भी 1 meter। ऐसा की बात की यहां 50 newton फोर्स दिया गया, इसलिए उस पॉइंट पे ने पी बताया, ये 1 meter और ये भी 1 meter। वेट इन डाउनवर्ड, तो इसके लिए जो टेंशन प्रोड्यूस होगा वो अपवर्ड। और एक वाली टेंशन यहां भी मिलेगी। ओके, यहां से हम एक लाइन हॉरिजॉन्टली ड्रा करेंगे, सॉरी वर्टिकली, और ये माने एंगल जो भी इसको थीटा बताएंगे। अगर क्वेश्चन पढ़े क्या लिखा, फोर्स ऑफ द 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अप्लाई एट मिड पॉइंट पी ऑफ अ रोप एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द एंगल द रोप मेक विथ द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। मतलब यही एंगल हमको कैलकुलेट करके देना है। चलो इसको थीटा लिख दें, ये वाली एंगल थीटा जो हमको कैलकुलेट करके देना है। फर्स्ट एक चीज बता रहा हूं कि जो ब्लॉक है वो 6 kg, ब्लॉक क्या होगा 6 kg, क्लियर। तो सबसे पहले ये इक्विलिब्रियम में होगा, ये जब इक्विलिब्रियम में होगा तो वेट और टेंशन दोनों इक्वल होंगे, तब जाके ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। टेक्स्ट में चेक करो, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ W, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ W, W मतलब वेट, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ W वो उन लोगों ने ड्रॉ करके दिया है, और चेक करो कि ये दोनों इक्वल बताए। डायग्राम तो यही है, उसी डायग्राम को उन लोगों ने डिफरेंट मेथड से एक्सप्लेन करके दिया। ओके, सबसे पहले ऐसा ड्रॉ किया कि ये होगा MG और ये होगा T2, ये दोनों जब इक्वल है तब ये वेट इक्विलिब्रियम में है। उसके बाद जो डायग्राम बताया गया, ओके, उसमें ये वाली डायग्राम है, सपोज ये वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में T2, देखो ये T2 है तो ये भी T2 है, दोनों इक्वल होंगे तब जाके स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम में होगी। इसका मतलब ये T2 बताया, इस डायरेक्शन में क्या होगा 50 newton। ओके, जो टेंशन क्रिएट होता है, ये एंगल क्या होगी थीटा, इसको हम T1 लिखेंगे, T1 के दो कंपोनेंट बनेंगे, ये T1 cos थीटा और T1 sin थीटा, T1 cos थीटा और T1 sin थीटा, क्लियर। और इस पॉइंट को क्या बताया जाता है, पी पॉइंट। इसका मतलब इसी डायग्राम से ही बनेगा और ये वाली डायग्राम बनेगी, क्लियर। चलो सबसे पहले मास पता है, T2 मिल जाएगा, इस डायग्राम का यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू डायग्राम 2 या ऐसा बताएंगे, जब ये ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम तो T2 इज इक्वल टू MG, T2 इज इक्वल टू क्या रखेंगे MG, m इक्वल टू 6, g इक्वल टू 10,
सो आंसर 16 न्यूटन। जी टेन से दिया कि आपको ब्रैकेट में लिख के दिया है जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे एंड निगलेक्ट द मास ऑफ द रोप ऐसा लिख के दिया। सो सबसे पहले हमको कौन सी वैल्यू मिलेगी टी टू की। सो ये टी टू इज इक्वल टू आंसर क्या हुआ 16 न्यूटन। टी टू इक्वल टू 16 न्यूटन। नाउ पी पॉइंट इन इक्विलिब्रियम क्योंकि देखो वेट इन डाउन या टी टू इन डाउन टी वन कॉस थीटा अपवर्ड 50 न्यूटन इन हॉरिजॉन्टल लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन टी वन साइन थीटा ये दोनों इक्वल होंगे ये दोनों इक्वल होंगे इसका मतलब पी इन इक्विलिब्रियम पी पॉइंट इन इक्विलिब्रियम। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट पी फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट पी टी वन साइन थीटा इज इक्वल टू 50 टी वन साइन थीटा इज इक्वल टू 50। सिमिलरली T1 cos theta is equal to TT is equal to 60. Is equal to क्या होगा 60. Ratio find कर दो. T1 sin theta upon T1 cos theta is equal to 50 divided by 60. Only T1 cancel, zero cancel. Okay. And therefore tan theta is equal to check कर दो 5 divided by 6 क्या आ रहा है 5 divided by 6 0.8333 और आगे वो डिजिट है प्लस कर दम 33 कंटिन्यू चल रहा है चलो कोई बात नहीं ठीक है इज इक्वल टू अब वो नेचुरल 10 वाली डायग्राम बनाओ सॉरी टेबल निकालो नेचुरल 10 से मिल जाएगा 0.8333 देखो ये वैल्यू लेस देन 1 लेस देन 1 मतलब फर्स्ट टेबल से ही आंसर हो जाएगा x नॉट है 60 डिग्री 60 डिग्री कैसे होगा लेस देन 1 मतलब फर्स्ट टेबल और फर्स्ट टेबल मतलब बिलो 45 39 डिग्री मिनट्स रहे 48 मिनट कितना आता है 39 डिग्री 48 मिनट्स रहे 0.8332 चलेगा ओके चलो डन थीटा इज इक्वल टू 39 डिग्री एंड 48 मिनट क्लियर। अब एक चीज और बता रहा हूं समझो कि सपोज ये ऐसी न्यूमेरिकल कहीं भी आपको एमसीक्यू में पूछी गई तो वो लोग इस तरह से नहीं भी लिखेंगे और 39.8 डिग्री ऐसा भी लिखेंगे क्योंकि 0.8 डिग्री इज अ 48 मिनट्स हम जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट सो 0.8 डिग्री इक्वल टू क्या मिलेगा तो इन दोनों आंसर पॉसिबल है एमसीक्यू के अंदर वो लोग जो ऑप्शन लिखेंगे वहां से सही आंसर हमको कंप्लीट करके देना है ओके एक बार पढ़ लो चलो और उसके बाद लास्ट कंप्लीट करेंगे 5.7 सो आज की वर्क कंप्लीट हो जाएगी।
Complete. Yes, sir. Yes. Okay. Okay, now 5.7. The last has completed. Determine the maximum acceleration of a train in which a box lying on its floor will remain stationary, given that the coefficient of the static friction between box and train floor is 0.50. Single एक चीज हमको लिख के दी है और वो चीज है mu s. Mu s is equal to 0.15. अब सबसे पहले तो static friction से जो मिलने वाली acceleration है fs is equal to ma. fs is equal to ma. लेकिन ये क्या होगा fs is less than equal to mu s n. सिंपल चीज है कि फोर्स कम होगा तब जाके वो एक्सेलरेट होगा, जब तक इक्वल है तब तक वो इक्विलिब्रियम में है. ये इनकी टर्म्स लिख के दी. ओके, जब किसी भी फ्लोर के ऊपर बॉक्स रखेंगे तो वेट इन डाउनवर्ड बट नॉर्मल फोर्स इन अपवर्ड. सो एन इज इक्वल टू एम जी एंड देयरफॉर एफ एस इज इक्वल टू म्यूएस एम जी. एफ एस क्या रखेंगे? म्यूएस एम जी. एंड एफ एस इक्वल टू क्या होगा? एम ए. सिंपल चीज है, ऑब्जेक्ट को जब आप रखेंगे क्लियर तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है बराबर, आप धक्का देंगे तो एक्सीलरेट होगा, और धक्का देने के लिए जो भी फोर्स मतलब एफ इक्वल टू एम है वो कितना होना चाहिए? स्टैटिक फोर्स जितना होना चाहिए, वरना वो मोशन में नहीं आएगा. हाँ, ये फोर्स एफ एस से ज्यादा होगा तो मोशन में आ जाएगा. जब तक इक्वल है अब तक इक्विलिब्रियम में है. ये ज्यादा होगा तो मोशन करेगा ही नहीं. क्लियर? तो इक्वालिटी वाली जो टर्म्स है वो हमको यूज करनी है. तो इसमें दोनों साइड हम एम कैंसिल कर देंगे. कैलकुलेट क्या करता? मैक्सिमम हियर लेस देन इक्वल टू है. मैक्सिमम मतलब इक्वल टू क्या लिखेंगे? म्यू एस जी. म्यू एस इज 0.15. म्यू एस क्या होगा? 0.15. सपोज जी 10 ले लेते हैं, जी क्या होगा? 10. So answer is 1.5 meter per second square. 1.5 meter per second square. So ये जो numerical फिर से object steady है according to static force. Okay? मतलब suppose आप इतना धक्का देंगे, sorry force जितना धक्का है, static force जितना धक्का देंगे तो इतनी acceleration produce होगी. लेकिन suppose ये value external force की value ज्यादा है तो motion करेगा ही. लेकिन स्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा तो मोशन नहीं होगी. जब दोनों इक्वल हो गए तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हम कंसीडर करेंगे. इसे मैंने fs इक्वल टू ma लिखा. अब ओरिजिनल कंडीशन क्या होती है? fs इज इक्वल टू fs इज लेस देन इक्वल टू vs है. स्टडी ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा लिखा जाता है. लेकिन fs इज इक्वल टू क्या रखा जाएगा? ma. लेकिन उससे पहले नॉर्मल फोर्स डायग्राम से कितना होगा? वेट बराबर. सो fs इज इक्वल टू vs mg. But fs is equal to ma, m cancel. So acceleration is always less than equal to ms g जितना होगा. लेकिन maximum के लिए क्या होता है? Equal to and then 0.15 into 10 is a 1.5. Clear? तो आज हमने इतने numerical complete किए. Homework में complete कर देना है. 5.1 नहीं लिखना है, सिर्फ पढ़ना है. लेकिन ये सभी न्यूमेरिकल प्रॉपरली आप प्रिपेयर कर लेंगे. क्लियर? चल इससे ज्यादा आज नहीं करेंगे, मीटिंग कंप्लीट कर देंगे.